ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह, यानी अल्लाह सिर्फ एक है, दूसरा कोई नहीं। मोहम्मद साहब उसके सच्चे रसूल हैं। इस्लाम को मानने वाले दुनिया भर के मुसलमान अपने आप को इस्लाम के अनुयायी कहते हैं, लेकिन अगर आप इस्लामी कानून की अपनी समझ और इसके इतिहास के मुताबिक इस्लाम के मानने वाले मुसलमान कई पंथों यानी क्रीड में बटे हुए हैं। दुनिया भर के मुस्लिमों को अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो ये दो पंथों या फिरकों में बटे हैं, और ये हैं शिया और सुन्नी। इनके अलावा छोटे छोटे दूसरे भी फिरके हैं। यहाँ तक कि शिया सुन्नी के अंदर भी कई फिरके या पंथ हैं। अल्लाह एक है, मोहम्मद उसके आखिरी दूत है, इस बात पर शिया सुन्नी दोनों सहमत हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर दोनों पंथ इस बात पर सहमत हैं तो फिर विवाद क्या है? दरअसल दोनों पंथों का बंटवारा हुआ पैगंबर मोहम्मद साहब के निधन के बाद। मोहम्मद साहब के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, इसको लेकर दोनों पंथों में मतभेद। जिस शरिया कानून पर इस्लाम चलता है वो भी इन दोनों पंथों में कुछ मुद्दों पर अलग अलग है। प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी के आसपास माना जाता है और उनकी मृत्यु 632 ईस्वी के आसपास माना जाता है। 40 साल की उम्र में उन्हें अल्लाह का आखिरी दूत घोषित किया गया। सुन्नी का मतलब यहाँ सुन्नत से है, यानी जो कुछ पैगंबर मोहम्मद बता कर गए और जिन तौर तरीकों को उन्होंने अपनाया उसे अपनाना। जो पैगंबर मोहम्मद के तौर तरीकों को अपनाता है उसे सुन्नी कहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में लगभग 80% सुन्नी है तो 20% शिया रहते हैं। सुन्नी मुसलमानों की माने तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद हजरत अबू बकर 632 से लेकर 634 ईस्वी तक मुसलमानों के नए नेता बने, जिन्हें खलीफा कहा गया। अबू बकर रिश्ते में पैगंबर मोहम्मद के ससुर थे। इसके बाद क्रमशः हजरत उमर फारूक 634 से 644 ईस्वी तक, हजरत उस्मान गनी 644 से 656 ईस्वी तक, हजरत अली 656 से 661 ईस्वी तक। इन चारों लोगों को खुलफाए राशिदीन यानी सही रास्ते पर चलने वाला बताया गया। इसके बाद से जो लोग आए राजनीतिक रूप से मुसलमानों के नेता तो कहलाए, लेकिन धार्मिक आधार पर कोई नेता नहीं हुआ। जहां तक इस्लामिक कानून की व्याख्या का सवाल है तो सुन्नी मुसलमान चार ग्रुप में बटे हैं, लेकिन एक पांचवा ग्रुप भी है जो इन चारों समूहों से अपने आप को अलग मानता है। इन पांचों फिरकों में विश्वास और आस्था में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इन पांचों पंथों की माने तो इनके इमाम ने इस्लाम का सही अर्थ समझाया। यहाँ पर एक बात को क्लियर करते चलें कि सुन्नी इस्लाम में चार स्कूल ऑफ थॉट यानी विचारधारा है। 8वीं और 9वीं सदी में 150 सालों के अंदर चार बड़े धार्मिक उपदेशक पैदा हुए, जिन्हें बाद में इमाम की उपाधि दी गई, और इन चारों इमाम ने हदीस और कुरान के हवाले में इस्लाम की व्याख्या अपने अपने तरीके से की, और फिर आगे चल इन्हीं को मानने वाले चार पंथों में बट गए। इमाम अबू हनीफा 699 से 767 ईस्वी, इमाम शाफई 767 से 820 ईस्वी, इमाम हम्बल 780 से 855 ईस्वी, इमाम मालिक 711 से 795 ईस्वी। इन इमाम के मानने वाले लोग उस सेक्ट यानी संप्रदाय के हो गए। जैसे इमाम अबू हनीफा को मानने वाले लोग हनफी कहलाए जाते हैं, इमाम हम्बल को मानने वाले हम्बली, इमाम हनफी। ऐसा नहीं है कि इस्लाम के मानने वाले सिर्फ शिया सुन्नी हम्बली या हनफी में बटे हैं। हनफी संप्रदाय में भी दो संप्रदाय, पहला बरेलवी सुन्नी तो दूसरा है देवबंदी सुन्नी। ये दोनों नाम उत्तर प्रदेश के दो जिलों सहारनपुर के देवबंद और बरेली से है। 20वीं सदी में दो बड़े धार्मिक उपदेशक ने इस्लाम की अलग अलग विवेचना की। मौलाना अशरफ अली थानवी 1863 से 1943 तक, अहमद रजा खान बरेलवी
1856 से 1921 तक। इन दोनों धार्मिक नेताओं ने इस्लामिक कानून की अलग अलग व्याख्या की। अशरफ अली थानवी का संबंध दारुल उलूम देवबंद से था, जबकि अहमद रजा बरेलवी का संबंध बरेली से था। मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही और मौलाना कासिम ननोतवी ने 1867 में सहारनपुर के देवबंद में दारुल उलूम देवबंद मदरसे की नींव रखी। देवबंदी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अशरफ अली थानवी, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही और मौलाना कासिम ननोतवी ने कड़ी मेहनत की। भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में रहने वाले ज्यादातर मुसलमानों का संबंध इन्हीं दोनों संप्रदायों से है। देवबंदी और बरेलवी के मानने वालों का मानना है कि कुरान और हदीस ही उनकी शरीयत का मूल स्रोत है, इसलिए शरीयत के तमाम कानून इमाम अबू हनीफा के फिकह के अनुसार है। बरेलवी मसलक के मानने वालों के अनुसार आला हजरत ने इस्लाम को फॉलो करने का जो तरीका बताया है वो ज्यादा सही है। देवबंदी और बरेलवी मसलक के मानने वालों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन कुछ चीजों में मेजर अंतर दिखता है। जैसे बरेलवी मसलक के मानने वाले ये कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब सब जानते हैं, उन्हें गैब यानी भविष्य में क्या होने वाला है उसकी जानकारी थी, जो दिखता है वो भी, जो नहीं दिखता वो भी सब जानते थे। लेकिन वही देवबंदी इस आस्था में विश्वास नहीं रखते। देवबंदियों का मानना है कि अल्लाह के बाद अल्लाह के नबी पैगंबर मोहम्मद साहब का नंबर आता है, लेकिन उन्हें आम इंसान मानते हैं, यानी उन्हें गैब की जानकारी नहीं थी। बरेलवी सूफी इस्लाम के अनुयायी हैं और उनके यहाँ मजारों को काफी महत्व दिया जाता है, जबकि देवबंदी मजारों को नहीं मानते और इसका विरोध करते हैं। इमाम मालिक। अब आते हैं इमाम मालिक पर। सुन्नियों के दूसरे इमाम थे इमाम मालिक, जिनके मानने वाले एशिया में कम हैं और मिडल ईस्ट में ज्यादा हैं। उनकी एक महत्वपूर्ण किताब इमाम मोत्ता के नाम से प्रसिद्ध है। मलिकी को मानने वाले उनके बताए रास्ते पर चलते हैं। मलिकी को मानने वाले मध्य पूर्व, एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में ज्यादा हैं। इमाम शाफई। अब जिस इमाम का नंबर आता है उनका नाम है इमाम शाफई। इमाम शाफई इमाम मालिक के शागिर्द थे और ये सुन्नियों के तीसरे इमाम हैं। मुसलमानों का एक बड़ा तबका इनके बताए रास्ते पर चलता है, जो मध्य पूर्व, एशिया और अफ्रीकी देशों में रहते हैं। अकीदे के मामले में ये दूसरे फिरके से अलग नहीं है, लेकिन तौर तरीकों की बात करें तो ये हनफी संप्रदाय से अलग है। इमाम शाफई के मानने वालों का मानना है कि इनके इमाम ने जो इस्लाम की व्याख्या की है उसका अनुसरण करना है। इमाम हम्बल। अब बात करते हैं इमाम हम्बल और उनके मानने वालों की। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, मिडल ईस्ट और कई अफ्रीकी देशों में इनको मानने वाले लोग हैं। जो लोग इमाम हम्बल को मानते हैं उन्हें हम्बली कहा जाता है। यहाँ पर एक बड़ी बात बताते चलें कि सऊदी अरब का सरकारी शरीयत तो इमाम हम्बल के धार्मिक कानून पर बना है। इन चारों इमामों को मानने वाले मुस्लिमों का कहना है कि इस्लाम को फॉलो करने के लिए इन इमामों के बताए रास्ते पर चलना जरूरी है। कौन है सलफी, वहाबी या अहले हदीस? इन चार इमाम के अलावा मुस्लिमों का एक तबका ऐसा भी है जो किसी भी इमाम के बताए रास्ते पर नहीं चलता। इस तबके को सलफी, वहाबी या अहले हदीस कहते हैं। इस तबके का कहना है कि इनकी रहनुमाई के लिए आसमानी किताब कुरान और पैगंबर मोहम्मद की बताई गई बातों वाली हदीस है, इसलिए ये किसी इमाम का अनुसरण न करके पवित्र कुरान और हदीस को मानते हैं और इन मानने वालों को ही अहले हदीस, सल्फी या वहाबी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चारों इमामों को नहीं मानते, वो चारों इमामों के रिसर्च, स्टडी और उनकी बुक की इज्जत करते हैं, लेकिन किसी भी इमाम का अनुसरण करने के पक्षधर नहीं। इनका मानना है कि इमामों की जो बात हदीस और कुरान के अनुसार है उस पर चलना तो सही है, लेकिन किसी भी समस्या का समाधान हदीस और पवित्र कुरान से ढूंढना चाहिए। इस समूह का कहना है कि वो उस तरह के इस्लाम का प्रचार चाहता है जो पैगंबर मोहम्मद साहब के जमाने में था, और इस सोच को आगे ले जाने का क्रेडिट जिसे जाता है उनका नाम है इब्ने तुमैया और दूसरे है मोहम्मद बिन वहाब। अब्दुल वहाब के नाम पर ही ये फिरका वहाबी के नाम से जाना जाता है।
सल्फी विचारधारा के लोगों को सांप्रदायिक तौर पर बेहद कट्टरपंथी और धार्मिक मामलों में बहुत कट्टर माना जाता है और इस बात को कई थिंक टैंक ने भी कहा है। सुन्नी बोहरा। अब आते हैं सुन्नी बोहरा पर। इनका प्रभाव महाराष्ट्र, गुजरात के साथ ही साथ पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ज्यादा है। ये लोग ज्यादातर व्यापार करते हैं। बोहरा शिया और सुन्नी दोनों होते हैं। सुन्नी बोहरा इमाम हनफी को मानते हैं तो दाऊदी बोहरा शिया समुदाय के ज्यादा करीब है। अहमदिया। जैसा कि आपको शुरू में ही बताया था कि इस्लाम के मानने वालों की बुनियाद ये है कि अल्लाह या ईश्वर एक है और पैगंबर मोहम्मद अल्लाह के आखिरी दूत या नबी है। इस संप्रदाय की स्थापना भारतीय पंजाब के कादियान में मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। इस संप्रदाय के लोगों का मानना है कि मिर्जा गुलाम अहमद खुद पैगंबर के अवतार थे। इस संप्रदाय के लोगों का मानना है कि अहमद खुद कोई कानून नहीं लाए बल्कि वो पैगंबर मोहम्मद की ही बात को आगे बढ़ाते हैं लेकिन नबी का दर्जा रखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प बात आपको बता दें कि इतने संप्रदाय या फिरका होने के बावजूद सभी फिरके एक बात पर सहमत हैं और वो बात ये है कि पैगंबर मोहम्मद अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। लेकिन अहमदिया समुदाय के लोगों का मानना है कि मिर्जा गुलाम मोहम्मद पैगंबर का दर्जा रखते हैं। बस इसी बात पर इतना विवाद बढ़ा कि मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग अहमदियों को मुसलमान ही नहीं मानता। शिया मुस्लिम। अब आते हैं शिया मुस्लिम पर। सुन्नियों की तुलना में शियाओं का खानपान और इस्लाम को मानने का तरीका काफी अलग है। शियाओं की माने तो पैगंबर मोहम्मद के बाद खलीफा नहीं बल्कि इमामों को ज्यादा महत्व देते हैं। शियाओं की माने तो पैगंबर मोहम्मद के बाद जो इस पद के सबसे योग्य शख्स थे वो हजरत अबू बकर नहीं बल्कि हजरत अली थे। शियाओं की माने तो मोहम्मद साहब भी हजरत अली को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके थे लेकिन धोखे से मोहम्मद साहब के बाद अबू बकर को नेता चुन लिया गया था। शिया मुसलमान मोहम्मद साहब के बाद बने तीन खलीफाओं को अपना नेता नहीं मानते और उनको गासिब कहते हैं। गासिब अरबी का शब्द है और इसका अर्थ होता है हड़पना। शियाओं की अगर बात की जाए तो उनका मानना है कि जिस तरह अल्लाह ने मोहम्मद साहब को नबी बनाकर भेजा था ठीक उसी तरह हजरत अली को भी इमाम या पैगंबर नियुक्त किया था। यहाँ पर एक और बात आपको बता दें, जिस तरह सुन्नी कई फिरकों में बटे हैं ठीक उसी तरह शिया भी कई फिरकों में बटे हैं। इश्ना असरी। ये शियाओं का सबसे बड़ा समूह है जो 12 इमामों की बात को मानता है। दुनिया भर के लगभग 80% शिया इसी समुदाय से आते हैं। इश्ना असरी का कलमा सुन्नियों के कलमे से अलग है। शियाओं के पहले इमाम हजरत अली है और अंतिम इमाम मेहंदी है। शिया अल्लाह, हदीस और कुरान को मानते हैं लेकिन केवल उन्हीं हदीसों को मानते हैं जो शियाओं के इमामों के माध्यम से लिखे गए। कुरान के बाद हजरत अली की कही गई बातों पर आई किताब नहजुल बलागा और अलकाफी काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये समुदाय इस्लामिक कानून के हिसाब से जाफरिया में विश्वास रखता है। इस संप्रदाय के लोग ईरान, इराक, भारत और पाकिस्तान समेत दुनिया के अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं। इश्ना असरी के 12 इमाम। इमाम अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम अली जैनुल आबदीन, इमाम मोहम्मद अल बाकिर, इमाम जाफर अल सादिक, इमाम मुसा अल खादिम, इमाम अली अल रिदा, इमाम मोहम्मद अल जवाद, इमाम अली अल हादी, इमाम हसन अल अस्कारी, इमाम मोहम्मद अल मेहंदी। जैदिया। शियाओं का दूसरा सबसे बड़ा समूह जैदिया है जो 12 के बजाय 5 इमामों की बात को मानता है। इनके 4 तो शियाओं के ही इमाम हैं, लेकिन 5वें और अंतिम इमाम हजरत अली के पोते जैद बिन अली हैं। इन्हीं को मानने की वजह से ये जैदी कहलाते हैं। इनके मानने वालों का कानून जैद बिन अली की किताब मजमूल फिकह से लिए गए। इसको मानने वाले लोग ज्यादातर यमन में रहते हैं। इस्माइली शिया। अब आते हैं इस्माइली शिया पर।
ये शियाओं का धड़ा सिर्फ 7 इमामों को मानता है और इनके अंतिम इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल है। इसी वजह से इन्हें इस्माइली कहा जाता है। इश्ना असरी शियाओं से इनका विवाद इस बात पर है कि इमाम जाफर सादिक के बाद उनके बड़े बेटे इस्माइल बिन जाफर इमाम होंगे या दूसरे बेटे। इश्ना असरी समुदाय के लोगों ने इमाम जाफर सादिक के दूसरे बेटे मूसा काजिम को इमाम माना और इसी विवाद की वजह से बंटवारा हो गया। इस तरह इस्माइलियों ने अपना 7वां इमाम इस्माइल बिन जाफर को माना। शिया दाऊदी बोहरा। अब आते हैं शिया दाऊदी बोहरा पर। ये समुदाय शिया फिकह के इस्माइली को मानता है और इसी विश्वास पर कायम। इस्माइली शिया और दाऊदी बोहरा में फर्क इस बात का है कि दाऊदी बोहरा 21 इमामों को मानते हैं। दाऊदियों के अंतिम इमाम तैयब अब्दुल कासिम है। उनके बाद धार्मिक गुरुओं की परंपरा है। बोहरा समुदाय के लोग गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये एक सफल व्यापारी समूह है। इनमें दिलचस्प बात यह है कि इनका एक धड़ा सुन्नी भी है। खोजा संप्रदाय। अब आते हैं खोजा संप्रदाय पर। इस समुदाय के लोग शिया और सुन्नी दोनों होते हैं। इस समुदाय के लोग भी गुजरात और महाराष्ट्र में रहते हैं। इनमें ज्यादातर लोग इस्माइली फिकह को मानते हैं तो वहीं कुछ इश्ना असरी के कानून को मानते हैं। नुशेरी। नुशेरी शिया को अलावी के नाम से भी जाना जाता है। इस समुदाय के लोगों का मानना है कि हजरत अली भगवान के रूप में जमीन पर आए थे। नुशेरी दोबारा पैदा होने में विश्वास रखते हैं और कुछ ईसाई धर्म की भी रस्म अदा करते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि मुसलमानों में कितने पंथ या संप्रदाय हैं। इसके साथ ही साथ और भी कई छोटे छोटे पंथ मौजूद हैं। बता दें कि इस्लाम में फिरका या पंथ के बंटवारे का जिक्र पवित्र कुरान और हदीस में भी है। आसमानी किताब कुरान में लिखा है कि जिन लोगों ने अपने दीन के टुकड़े टुकड़े किए और गिरोह गिरोह हो गए, ऐ रसूल तुम किसी बात में इनमें से नहीं, इनका मा अमल सिर्फ अल्लाह के सुपुर्द है, फिर वो इन्हें बताएगा जो वो करते रहे। वही एक हदीस के मुताबिक मोहम्मद साहब ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर भी वो हालात आएंगे जो बनी इसराइल पर आए थे। बनी इसराइल 72 फिरकों में बढ़ गई, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, लेकिन एक फिरके के सिवाय बाकी तमाम फिरके जहन्नम में जाएंगे। सहाबाए किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो कौन सा फिरका होगा? हुजूर ने फरमाया कि जो मेरी और मेरे सहाबा की सुन्नतों पर अमल पैरा होगा। यानी इस्लाम में यूनिटी की बात कही गई, लेकिन कयामत तक लोगों में इस्लाम को लेकर आपस में इतना मतभेद हो जाएगा कि वो 73 फिरकों में बढ़ जाएंगे। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज एक्सप्रेस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर पर फॉलो जरूर करें।